आगे और कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं और इन सब के बीच में जरा फोकस में लाएंगे सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर हल्की तेजी नजर आ रही है। करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर भी तेजी नजर आ रही है। और पीएनबी को भी अपने रडार पर लाएंगे, हालांकि पीएनबी पर दबाव इस वक्त बना हुआ है। रवि, जरा राय दीजिए करूर वैश्य बैंक, इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक और साथ ही साथ पीएनबी पर भी रणनीति सुझाइए। देखिए, सबसे पहले करूर वैश्य बैंक की बात करें, एक समय 186 का लेवल चल रहा है। और प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो जो आपने इन तीनों स्टॉक्स में बात करी है, उनमें सबसे अच्छा स्टॉक जो है वो करूर वैश्य बैंक ही है। और इसका अपवर्ड मोमेंटम अभी निकलेगा तो आपको 200 के आसपास के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये स्टॉक्स आपके लिए तीनों नहीं है। लेकिन अगर आप इमीडिएट बेसिस पे आप लेग पोजिशन एकुमुलेट करना चाहते हैं, थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं, जैसे 186 चल रहा है स्टॉप लॉस, यहाँ पर 178 कर रख के अपसाइड में मोमेंटम अगर देखते हैं तो 200-205 रुपए तक का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। और उन लेवल्स तक बहुत आसानी से आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको मार्केट में प्रेशर दिख रहा है तो रुकता हुआ जाएगा, लेकिन अगर मोमेंट्री तेज हुआ तो वापस आपको तेजी की तरफ ट्रेंड दिखाई देगा। पीएनबी में भी थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 122 के लेवल जो अभी यहाँ पर करंट देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे साइड पे आएंगे। और नीचे का मतलब है कि कम से कम 112-110 के आसपास के लेवल दिखा सकते हैं, और उन लेवल्स पर आता है तो शायद ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा, वापस रिवर्सल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन तब तक अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस बनाकर रखना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, अभी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से एंट्री नहीं करनी। तीसरा स्टॉक आपने बोला सिटी यूनियन बैंक, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिटी में मोमेंटम पहले बहुत तेजी से गेन किया और इन लेवल्स पर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि जो जिन लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, ये लेवल काफी अट्रैक्शन है, यानी 136 से 130 के बीच में आप स्टॉक को अगर आप 6 महीने का नजरिया रखते हैं, 8 महीने का नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक्युमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो 125 का, और टारगेट देखते हैं तो 160 के टारगेट आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे मिड कैप बैंक्स हैं, या फिर ये कहें कि इनको लॉन्ग रखने की जरूरत है, इनमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 100 रुपए के नीचे में अगर आप बैंक देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर प्रशांत जी दो एक बैंक और ऐड करूंगा, जैसे पीएसबी है 60-62 के पास है, ये भी एक अट्रैक्शन दे रहा है, और साथ ही सेंट्रल बैंक है जो कि यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा और मोमेंटम दे सकता है। तो मुझे लगता है इनको आप काउंटर पे बाय पे रख सकते हैं, और इनमें शॉर्ट टर्म ट्रेड मत करिए, थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, बेहतर मुनाफा मिलेगा।